बैक टू माई YouTube चैनल. मैं हूँ पूजा लूथरा और आज एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. वेल, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ एक नेचुरल एंड हर्बल ब्लीच. सो हेयर आई एम विद अ वीडियो आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर. ये नेचुरल ब्लीच आपकी स्किन को तो गोरा बनाएगी ही, साथ ही साथ आपकी स्किन के दाग धब्बे, एक्ने के स्कार्स, पिगमेंटेशन और झुर्रियों को भी दूर करेगी. तो एक पंथ दो काज, गोरा बनाने के साथ साथ दाग धब्बे भी हटा रही है. जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये ब्लीच सुपर्ब है. इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा एंड रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 100% इफेक्टिव है. आई हैव यूज्ड इट सो मेनी टाइम्स, ट्राइड है, टेस्टेड है और ये ब्लीच सभी स्किन टाइप्स को सूट करती है. कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई जलन, कोई इरिटेशन आपके फेस पर नहीं होगी एंड आपके फेस पर नया ग्लो भी आएगा और दाग धब्बे भी दूर होंगे, स्किन फेयर भी होगी. तो चलिए बताती हूँ कैसे बनानी है ये ब्लीच. लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. तो चलिए अब बताती हूँ ये ब्लीच कैसे बनानी है. दोस्तों, इस नेचुरल ब्लीच का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है इमली, यानी कि टैमरिंड. मैंने थोड़ी सी इमली ली है और उसे पानी में सोक कर दिया है आधे घंटे पहले. तो इस तरीके से इसका पल्प तैयार हो गया इमली का. इमली में ढेर सारा विटामिन सी होता है. साथ ही साथ इमली आपकी स्किन के दाग धब्बों को हटाती है, चेहरे को गोरा बनाती है और झुर्रियों को मिटाती है. एंटी एजिंग क्वालिटीज़ होती हैं इमली में. तो आपको नहीं पता अगर इमली के स्किन बेनिफिट्स, ब्यूटी बेनिफिट्स, तो आप गूगल भी कर सकते हैं. बहुत अच्छी होती है इमली आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाने में, साथ ही साथ टैनिंग दूर करने में. तो इस तरीके से आपको इसका पल्प बना लेना है इमली का. सेकंड इंग्रेडिएंट है आलू. एक आलू आपको लेना है, उसको आपने पील कर लेना है और अच्छे से पील करके धोने के बाद आपको उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और इस तरीके का पेस्ट बना लेना है. आलू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये आपकी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है. पिगमेंटेशन वाली स्किन वालों के लिए आलू बहुत अच्छा होता है. उन्हें फेस पर लगाएंगे आलू को तो उनके पिगमेंटेशन मार्क्स और एक्ने स्कार्स दूर होते हैं. तो इस तरीके से आपको 4 चम्मच इमली का गूदा लेना है और 4 चम्मच आलू का ये जो पल्प है वो इसमें मिला देना है. थर्ड इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस पाउडर, यानी कि गुड़हल के फूल का पाउडर. गुड़हल के प्लांट को प्लांट ऑफ यूथ कहा जाता है एंड इसका जो फूल होता है उसमें एंटी एजिंग क्वालिटीज़ होती हैं. साथ ही साथ ये आपकी स्किन को लाइटन करता है और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि आपके स्किन को फेयर बनाते हैं और झुर्रियों को दूर करते हैं. अगर पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं या फिर आपकी स्किन पर एज स्पॉट्स होते जा रहे हैं तो उन्हें भी ये दूर करता है. तो तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हिबिस्कस पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे. हिबिस्कस पाउडर आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगा. मैं क्विक केयर का हिबिस्कस पाउडर यूज़ करती हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आपको अगर चाहिए हो तो आप मंगा सकते हो अमेज़ोन से. ये प्रोडक्ट आपके यू नो ब्यूटी रिजीम में ज़रूर ज़रूर आपको लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप DIY बनाते रहते हो, स्किन फेयरनेस की रेमेडीज़ बनाते रहते हो, तो हिबिस्कस पाउडर आपके पास ज़रूर होना चाहिए. स्किन और बालों दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है हिबिस्कस पाउडर. तो आप इसे एक बार मंगा लीजिए, एक बार की इन्वेस्टमेंट है. 6-8 महीने चलता है ये और इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, जो इसके फ़ायदे हैं वो अमेजिंग हैं, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी. तो ये आपके ब्यूटी रिजीम का हिस्सा होना ही चाहिए हिबिस्कस पाउडर. तो हिबिस्कस पाउडर आपने मिला लिया, मिक्स कर लिया, ये आपकी ब्लीच तैयार हो चुकी है एंड इसे आपने अपने फेस पर लगा लेना है. थिक लेयर लगाना है, ब्रश की हेल्प से लगाइए या फिंगर्स की हेल्प से लगाइए, अपने फेस पर लगा लीजिए. आप देख सकते हो कि मेरा फेस इस टाइम कितना डल लग रहा है, बिकॉज मैं कल मार्केट गई थी और मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी एंड पूरी टैनिंग हो चुकी है मेरे फेस पर. पूरा दिन मैं धूप में घूमती रही हूँ. अभी ब्लीच कर रही हूँ, ब्लीच के बाद आप ग्लो देखिएगा. 15 मिनट में इतना अच्छा निखार देती है ये ब्लीच कि मज़ा ही आ जाता है अपने फेस को देख कर. तो ये आप ब्लीच आपने लगा ली, 15 मिनट तक रहने दीजिए, इसे फेस पर लगे रहने दीजिए. उसके बाद आपने पानी से चेहरे को धो लेना है. अभी मेरा चेहरा गीला ही है एंड यू कैन सी द इनर ग्लो एंड पोंछ लीजिए स्किन को. पोंछने के बाद यू नो आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब सारा टैन निकल जाएगा आपके फेस का और चेहरे पर ना एक गुलाबी सा, एक पिंकी सा निखार आ जाता है और स्किन गोरी हो जाती है. 2 शेड्स का तो मिनिमम फ़र्क पड़ता ही है. इसको आप हफ्ते में 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हो इस ब्लीच को. कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी स्किन मोर टाइट होगी और दाग धब्बे भी दूर होंगे. तो यूज़ कीजिए इसको एंड अपने रिजल्ट्स जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा. तो देखा आपने कितना सिंपल है, कितना ईजी है घर पर ब्लीच करना नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से.
जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है आपकी स्किन पर, बल्कि आपकी स्किन और ज़्यादा खिलती है, निखरती है। तो इस ब्लीच को आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। अपने फेस को नेचुरली गोरा बनाइए, खूबसूरत बनाइए, हानिकारक केमिकल्स से बचिए। ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। नीचे लाइक का थम्सअप का बटन है, अभी तक नहीं दबाया तो अब तो दबाना बनता ही है, वीडियो आपने देख लिया है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है उसे दबा दीजिए, घंटी का बटन भी दबाइएगा, इससे आपको मिलेंगे नोटिफिकेशंस जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से हेल्थ टिप या फिर ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।